लालकुआ में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोहरा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में हुए विकास को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि जनपद में 598 दुग्ध समितियों को बढ़ाकर उन्होंने 653 दुग्ध समितियों का गठन किया, जिनमें से 604 दुग्ध समितियां वर्तमान में कार्य कर रही है। दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोहरा ने कहा कि उनके कार्यकाल से पहले अकुशल श्रमिकों को 7,000 रुपये मानदेय दिया जाता था और अब उनके कार्यकाल में अब तक 25,000 रुपये तक कार्मिकों को वेतन दिया जा रहा है। सभी कामगारों को ईएसआई की सुविधा की प्रदान की जा रही है। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। जो हमारे युवा और ओजस्वी विकास मंत्री हैं माननीय सौरभ गुणा जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और अपने सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों का और अपनी सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूँ। नैनीताल दुग्ध संघ के माध्यम से, उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन के माध्यम से और अपनी प्रबंध कमेटी और अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से जो सहयोग नैनीताल दुग्ध संघ और उससे जुड़े हुए दुग्ध उत्पादकों को सरकार द्वारा चाहे साइलेज अनुदान हो, पशु आहार अनुदान हो या भूसा अनुदान हो या दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन एडवांस में सरकार द्वारा और माननीय मंत्री सौरभ गुणा जी के प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दिया हो, उस सबके लिए आपके माध्यम से उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। एकत्रित हुए थे